नमस्ते दोस्तों, आज मैं खेलने जा रहा हूँ द कुकिंग सिमुलेटर और ये मेरा पहला वीडियो है, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें। तो चलो शुरू करते हैं। हम काम ढूंढने के लिए यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पे किराए के एक रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा हुआ है, तो चलिए ऑफिस में जाकर इसके मालिक से बात करते हैं। तो गाइस, ये रहा ऑफिस, ये रहा डोर अंदर जाने के लिए, तो चलो अंदर चलते हैं। गाइस, यहाँ पर शेफ यानी कि मेरे और रेस्टोरेंट के मालिक के बीच में रेस्टोरेंट के किराए और मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें हो रही हैं। गाइस ये कह रहा है कि वे मेरे से एक दिन के 700 रुपए लेगा। मुझे इसने पहले 3 दिन तक किराया न देने की छूट दी है और ये मेरे काम के अनुभव के बारे में भी पूछता है। इस पर मैंने इसे बोल दिया है कि मैं प्रोफेशनल शेफ हूँ और मेरे पास इसका सर्टिफिकेट भी है, वगैरह वगैरह। इसके बाद मैंने इससे रेस्टोरेंट को आज ही शुरू करने के बारे पूछा, तो रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि बिल्कुल तुम आज से ही शुरू कर सकते हो। तो गाइस, रेस्टोरेंट में आज हमारा पहला दिन है और हमें फर्स्ट ऑर्डर मिला है कैप्सिनो कॉफी बनाने का। चलिए फटाफट से तैयार करते हैं ये कॉफी। कॉफी बनाने के लिए हमें ये कॉफी मशीन और कप खरीदना पड़ेगा और इसके पैसे भी हमें ही देने होंगे। दोनों चीजों को खरीदने के बाद हमारे पास बचे हैं सिर्फ 1600 रुपए। तो चलिए कॉफी बनाकर कुछ कमाई की जाए। तो गाइस, सबसे पहले कॉफी बनाने के लिए इस कैटल को इस कॉफी मशीन में रख देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा कॉफी पाउडर डालेंगे। ये लिया कॉफी पाउडर और डाला मशीन में। इसके बाद हम इसमें थोड़ी शुगर ऐड करेंगे। के बाद में हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। अब बारी मशीन की, ये हो गई मशीन स्टार्ट और टाइमर भी चालू हो गया। बस थोड़ी देर हमारी कॉफी बनकर तैयार हो जाएगी और ये लो तैयार है गर्मा गर्म कॉफी। इस कॉफी को डालते हैं इस कप में और ये हमको लेकर जाना है डिलीवरी विंडो के पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसे डिलीवर करने के लिए। लेकिन एक मिनट, मुझे तो पता ही नहीं कि विंडो है तो है किधर। शायद एग्जिट की तरफ है, उधर देखता हूं। लेकिन यहां तो कोई विंडो नहीं है, कहीं पीछे तो नहीं है। ओ हाँ, वो रही। चलो तो चलते हैं, हमें रखना है यहाँ। और ये हो गया डिलीवर और हमारा पहला ऑर्डर कंप्लीट हो गया और इससे हमें 607 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों, मैं अपनी पहली कमाई कर ली है। इसी के साथ हमें हमारा दूसरा ऑर्डर मिल गया है और वो है ग्रीन टी का। तो इसके लिए भी हमको पहले ये इलेक्ट्रिक केटल खरीदना पड़ेगा। चलो इसे भी खरीद लेते हैं क्योंकि हमें और ज्यादा प्रॉफिट जो कमाना है। ग्रीन टी बनाने के सबसे पहले केटल में शुगर डालेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी। और अब कर देंगे केटल को चालू। इसके साथ ही हमारा टाइमर भी चालू है। जल्द ही ग्रीन टी बनकर तैयार हो जाएगी। और लीजिए, बनकर तैयार है हमारी एकदम हेल्थी ग्रीन टी। इसे भी कप में डालते हैं और डिलीवर करके आते हैं ताकि हमको हमारा पैसा मिले। लेट्स गो। अरे यार, मैं तो भूल ही गया, इसमें अभी टी बैग भी डालना है। चलो कोई बात नहीं, अभी लेके डाल देता हूँ। दोस्तों, ये लेकर आ गया मैं टी बैग और डाला कप में और अब एकदम तैयार हो गया। अब मैं चला इसे डिलीवर करने।
ये रखा विंडो पर और ये हो गया छू मंतर, मेरा मतलब डिलीवर। और हमने इस ऑर्डर से भी कुछ प्रॉफिट कमाया, लेकिन कम प्रॉफिट कमाया क्योंकि शायद मैंने इस ऑर्डर को तैयार करने में ज्यादा देर कर दी। कोई बात नहीं, अगले ऑर्डर पर हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। चलिए गाइस, हमारा न्यू ऑर्डर आ चुका है और वो मिल्क टी बनाने का। मिल्क टी बनाने के लिए केटल में पहले शुगर डालेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी। के बाद में हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर और अब कर देंगे केटल को चालू। इसके साथ ही हमारा टाइमर भी चालू है। जल्द ही हमारी मिल्क टी बनकर तैयार हो जाएगी। और लीजिए, ये बनकर तैयार भी हो गई। अब हम इसे कप में डाल देते हैं और इसमें एक और चीज डालनी है और वो है टी बैग। तो ये लिया टी बैग और ये डुबोया चाय में। अब हमारी चाय डिलीवर होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए गाइस, हम सब साथ में इसे डिलीवर करने के लिए चलते हैं। हमें रखना है यहाँ और ये हो गया डिलीवर। तो गाइस, इसी के साथ हमारा तीसरा ऑर्डर भी पूरा हो जाता है और हमने इस ऑर्डर में पहले के ऑर्डर से ज़्यादा कमाई की है, क्योंकि दोस्तों हमने ये ऑर्डर बहुत जल्दी जल्दी किया था, इसीलिए हमको ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ। इसी के साथ हमारे रेस्टोरेंट का जो डे वन था वो पूरा होता है। तो गाइस, मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि ये वीडियो जो था वो मेरा पहली बार बनाया हुआ वीडियो था, जिसमें मैंने अपना जो बेस्ट होता है वो देने का कोशिश किया है। आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। लास्ट में सिर्फ एक बात, प्लीज़ सपोर्ट मी।